शिवपुरी शहर की कोतवाली पुलिस ने दीपावली के दिन कोर्ट में पदस्थ एक महिला एडीपीओ की शिकायत पर पूर्व कांग्रेसी नेता गिरिराज शर्मा पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि एक दिन गिरिराज शर्मा महिला को अपने घर ले गया और वहां उसे चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दे दिया। उसके साथ ही गिरिराज ने उक्त महिला की कुछ अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। बाद में गिरिराज उन फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर महिला को ब्लैकमेल किया और कई बार लाखों रुपए की वसूली भी कर चुका है। इसके बाद जब परेशान हो गई तो उसने कोतवाली पुलिस ने बीते रोज कोतवाली में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही मुकदमा दर्ज होने के बाद दीपावली की रात पुलिस ने आरोपी गिरिराज शर्मा के घर दबिश दी, लेकिन गिरिराज मौके से फरार हो गया था। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, ये कल एक 376 की FIR आपके यहाँ थाने में हुई है गिरिराज शर्मा के खिलाफ, क्या पूरा मामला है? एक महिला ने रिपोर्ट की है कि मेरे साथ में इसके द्वारा बहला फुसलाकर शादी का बहाना करके इसके साथ में दुष्कर्म किया है। आरोपी का नाम गिरिराज शर्मा है, उसके खिलाफ हमने प्रकरण पंजीकृत किया है। किस तरह का अपराध बताया गया है, कुछ डिटेल्स बताई गई उसमें? कुछ नहीं, उसमें ये बताया कि अवैध रूप से वसूली वगैरह का भी कुछ, उनका कुछ आपस में पैसे लेन देन का ही मामला था कि कुछ पैसे भी दिए लिए गए हैं, तो वो ब्लैकमेल भी करता था, धमकी भी देता था और अवैध रूप से इसके साथ दुष्कर्म करना भी उसमें आवेदन में उनके द्वारा बताया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।